नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चाइना जो कि लगातार भारत के क्षेत्रों के अंदर अतिक्रमण करने का प्रयास करता है और एक बार फिर से इसने 11 जो गांव हैं या कहें 11 जो क्षेत्र हैं भारत के अभिन्न भाग अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है उसके अंदर जो 11 गांव हैं उनके नाम परिवर्तित कर दिए हैं। अरुणाचल पर दावा करता है चीन पहले भी बदल चुका है नाम। क्यों बदलता है ये नाम इसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या नाम बदले गए हैं, कितनी बार बदले गए हैं और क्यों ये प्रयास किए जाते हैं विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाइना रीनेम्स 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, कॉल्स इट सदर्न तिब्बत, मतलब इसको दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है चीन के द्वारा कि जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश वो है दक्षिणी तिब्बत या फिर इसी को कहा जाता है एक्सटेंडेड तिब्बत कि ये जो है एक्सटेंडेड तिब्बत है और इसके ऊपर चीन के द्वारा अपना अधिकार जताया जाता है। चाइना रिलीजेस नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस, चाइना ने जो है 11 जगह के नाम रिलीज किए हैं इन अरुणाचल प्रदेश, कॉल्स इट सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत चाइना रिलीज। तमाम न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आप इस खबर को देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। सीज न्यू डिप्लोमेटिक अटैक ऑन इंडिया, ये जो है एक डिप्लोमेटिक अटैक है कि इससे जो है क्या फायदा होगा, क्या नाम जो है चेंज करने से कुछ इससे फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इससे कोई फर्क कभी नहीं पड़ेगा। तो चाइना का जो प्रयास है वो अपने देश के अंदर अपने देश के जो लोग हैं उनको बताना चाहता है कि इसके हिस्से जो हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं अक्साई चिन के बारे में, अक्साई चिन का एरिया जो था वो 1962 युद्ध के बाद, 1962 का जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद अक्साई चिन वाला जो पार्ट था वो चीन ने अपना इसके ऊपर कब्जा किया था। अब चीन चाहता है कि जो अक्साई चिन है उसके बारे में किसी प्रकार की कोई बात ना हो, इसीलिए नए नए मुद्दे जो हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है चाइना का पूरी दुनिया के अंदर। जैसे कि अब जो है इसके द्वारा तवांग वाले क्षेत्र के अंदर जो हिंसा की जाती है या फिर कहें कि तवांग वाले क्षेत्र के अंदर घुसने की प्रयास किया जाता है, इसी तरह से चाइना जो है अपनी आगे वाली जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके अंदर एक भाव पैदा करना चाहता है जिससे कि चीन की जो आने वाली जनरेशन है उसको लगे कि भारत का अवैध कब्जा चीन के क्षेत्र पर है। जब इनकी जनसंख्या जो है वो आने वाले समय में आगे बढ़ेगी और जो जनरेशन है वो बदली जाएगी तो उनके अंदर एक भाव हमेशा पैदा होगा कि ये हमारा क्षेत्र है जो कि भारत ने कब्जा रखा है और इसको लेने की भावना जो है वो विकसित हो जाएगी। तो इसके दूरगामी परिणाम तो दिखाई देते हैं, क्योंकि दूरगामी परिणाम जो हैं वो घातक भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने कई सारे सेशंस में हमने आपके साथ में डिस्कस किया है चीन का एक पैंतरा जिसको जाना जाता है सलामी स्लाइसिंग के नाम से। सलामी स्लाइसिंग के अंदर चाइना जो है बॉर्डर के अंदर बहुत छोटी छोटी घुसपैठ करता है और इसके चलते छोटे से एरिया के ऊपर किसी देश की आपत्ति के बिना थोड़ा सा अंदर घुसने के बाद एक लंबे समय के बाद चाइना जो है कामयाब हो जाता है उस क्षेत्र का हिस्सा हड़पने में। तो ऐसी स्थिति में देश को पता भी नहीं चलता, किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होता है और चाइना की डिप्लोमेटिक एक जीत हो जाती है। कहाँ हो रहा है ये डिस्प्यूट, तो उसकी अगर चर्चा करें तो भारत के मैप के अंदर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। असल में इसको हमें समझने के लिए दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। एक हुआ करती थी मैकमोहन लाइन नाम की रेखा, मैकमोहन लाइन जो कि अंग्रेजों के द्वारा चीन के सहयोग, चीन और भारत के सहयोग से चीन, भारत और तिब्बत, तिब्बत यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर वर्तमान में चीन का कब्जा हुआ है। तो चीन, तिब्बत और भारत के लोगों को बिठाने के बाद एक अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था मैकमोहन। तो जो लाइन खींची गई थी, एक रेखा खींची गई थी, उसको जाना गया मैकमोहन लाइन से, जो कि यहाँ आपको दिखाई देती है। असल में ये है मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चीन, कहें कि तत्कालीन तिब्बत के ऊपर जो बॉर्डर खींचा गया था वो मैकमोहन लाइन खींची गई थी। फिर उसके बाद होता है 1962 का युद्ध। 1962 के युद्ध में जो आपको ये अक्साई चिन वाला पार्ट दिखाई देता है इसके ऊपर चीन का हो चुका था कब्जा और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चीन की सेना घुस चुकी थी। अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी अंदर तक चीन की सेना जो है घुस चुकी थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से तो चीन की सेना जो है वापस चली गई, लेकिन अक्साई चिन वाला पार्ट जो है इससे ये वापस ना गई। इसी के चलते जो नया बॉर्डर हमें निकल कर आया वो निकल कर आया LAC, जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से हम आज जानते हैं। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है 1993 के अंदर दोनों देश इसी को LAC को आधिकारिक बॉर्डर मानने पर रजामंद हो गए थे। तो जो डिस्प्यूट है असल में जो
अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हमें अभी दिखाई देता है, इसको चाइना के द्वारा अपना बताया जाता है। मैप को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक ये सारा का सारा तिब्बत हुआ करता था। तो तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा हुआ, इसी वजह से चीन कहता है कि ये जो पार्ट है ये एक्सटेंडेड तिब्बत है, ये जो है साउथ तिब्बत का एरिया है, इसीलिए चीन का ये पार्ट होना चाहिए। द चेंज्ड नेम इंक्लूड, जो नाम चेंज हुए हैं उनके अंदर माउंटेन पीक रिवर्स और रेजिडेंशियल एरियाज, जो जैसे जैसे जगह इन्हें दिखाई देती गई इन्होंने अपने अनुसार उसके नाम चेंज कर दिए हैं। उम्मीद है पूरा का पूरा जो मामला है चीन को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। मैकमोहन लाइन जो आधिकारिक बॉर्डर है, जो LAC है फिलहाल, और कई सेशंस में आपके साथ में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो 11 जगह हैं उनके नाम बदले हैं, कुछ मंदारिन और तिब्बती लैंग्वेज है उसके अंदर ये सारे के सारे नाम बदले गए हैं, ये जानकारी निकल कर आई। सिद्धांत सिबल जो कि भारत के तरफ से स्पोक पर्सन है, उनके द्वारा जानकारी दी गई। दिस इज अ थर्ड टाइम, ऐसा तीसरी बार हुआ है जब चीन ने इस तरह के नाम परिवर्तित किए हैं। कब कब और नाम बदले हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चीन की जो राजधानी है, असल में अरुणाचल की राजधानी जो है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, उसके नज़दीकी इलाके के नाम भी चीन ने बदल दिए हैं। हालांकि चीन अंदर बिल्कुल नहीं घुसा है, ना ही किसी प्रकार का कब्जा हुआ है, उसने अपने देश में बैठकर घोषणा कर दी कि मैं अब इन क्षेत्रों को ऐसे ऐसे बुलाऊंगा। नाम कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। असल में इनका जो नाम रखे हैं वो मंदारिन, जो कि चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और तिब्बती भाषा, इन दोनों के अंदर नाम रखे हुए हैं। ये जो नाम है 11 क्षेत्रों के बदलकर इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है फिलहाल। अब इसका रिस्पांस जो है भारत के द्वारा क्या दिया गया, क्या भारत की प्रतिक्रिया रही। इन रिस्पांस टू मीडिया क्वेरीज, मीडिया की जो क्वेरी है उसके जवाब में, रिगार्डिंग द रीनेमिंग ऑफ प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश बाई चाइना, द ऑफिशियल स्पोक पर्सन श्री अरिंदम बागची के द्वारा बताया गया, वी हैव सीन सच रिपोर्ट्स, की हमने जो है ऐसी रिपोर्ट्स देख ली हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम चाइना हैज मेड सच अटेम्प्ट, कि ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ने ऐसा प्रयास किया है। वी रिजेक्ट दिस आउटराइट, हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा बल्कि अभिन्न हिस्सा, इंटीग्रल एंड इनलेनिएबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, था और रहेगा। ऐसी बात जो है सीधे सीधे बोल दी गई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। रिलेशंस विद चाइना विल नॉट बी नॉर्मल, ये खबर है फरवरी 26, 2023 की। डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत और चीन के रिलेशंस नॉर्मल हो सकते हैं, तो साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि जब तक जो 2020 के अंदर गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उसका सॉल्यूशन नहीं होता, तब तक जो है चीन के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे। तो भारत का संदेश जो है वो भी पूरी तरह से साफ है कि हमें कोई इस चीज़ से फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक चिंता की बात है। भारतीय अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। चाइना बिल्ड विलेजेस इनसाइड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये खबर आप देखते हैं नवंबर 3, 2021 की, कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके अंदर चीन ने गांव बसा लिया। इस प्रकार की खबरें हमें तमाम देखने को मिलती हैं। चाइना रीनेम्स 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, 15 जगह के नाम बदले गए थे 2021 में, 2021 से पहले 2017 में, और 6 जगह के नाम बदले गए थे। मैप के अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखा दिया गया था इस चाइना के द्वारा, मतलब तिब्बत का पार्ट दिखा दिया गया था। तो इस प्रकार का जो दबाव है, जिसको कहेंगे एक मोरल प्रेशर क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, काफ़ी पहले से ये की जा रही है। चीन ने 2021 में अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदले थे, 2021 में देख लिया, उसके बाद 17 में नाम बदले थे, और तीसरी बार 2023 के अंदर ये नाम बदले गए हैं। 6 साल में तीसरी बार चीन ने पूरे भारतीय राज्य पर अपना दावा दोहराते हुए अरुणाचल प्रदेश में भौगोलिक विशेषताओं के लिए चीनी नामों की घोषणा की है। ये जो क्षेत्र है लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको चीन के द्वारा अपना कहा जाता है। चीनी मानचित्र अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में दिखाते हुए आए हैं। कभी कभी इसे तथाकथित अरुणाचल प्रदेश के रूप में संदर्भित कर दिया जाता है, मतलब तथाकथित अरुणाचल प्रदेश की, इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये चीन का हिस्सा है ऐसा इनके द्वारा अपने मैप में दिखाया जाता है। चीन भारतीय क्षेत्र पर एक तरफा दावे को रेखांकित करने के लिए समय समय पर प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को चीनी नाम देना उसी प्रयास का एक हिस्सा है। क्या हासिल करना चाहता है यह भारतीय क्षेत्र पर अपने क्षेत्रीय दावों को दावा करने की चीन की रणनीति का हिस्सा है, कि जो अन्य जगह है जैसे कि ताइवान के साथ इसका विवाद है, ताइवान को दुनिया भूल जाए, दुनिया का ध्यान जो है इधर आ जाए, जो अक्साई चिन वाला एरिया है, तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बत के ऊपर अवैध कब्जा है, कोई तिब्बत की बात ना करे, अब जो नई बात है इसको छेड़ दिया जाए, तो चीन के द्वारा यही प्रयास किए जाते हैं। मंगोलिया का एक बड़ा पार्ट, रसिया का जो पार्ट है एक, जिसको कि हम व्लादिवोस्टोक के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर भी चीन का विवाद चलता है। व्लादिवोस्टोक को चीन के द्वारा अपना बताया जाता है, तो पूरी
पूरी दुनिया के अंदर चीन के द्वारा ये किया जाता है। 2017 में नाम बदलने का पहला कारनामा कब किया गया था, जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे उसके कुछ दिन बाद। इसके अलावा चीनी अधिकारियों का दावा है कि मानकीकरण आवश्यक था क्योंकि दक्षिणी तिब्बत में उपयोग किए जाने वाले सभी नाम अल्पसंख्यक जाति समूहों द्वारा मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिले हैं। मतलब अपनी अगली जनरेशन को ये दिखाना चाहता है कि हमारी किस प्रकार से पीढ़ी से ये नाम मिले हुए हैं और इन नामों को हम दोबारा से इन क्षेत्रों का रख रहे हैं। इसलिए ये नाम दर्शाते हैं कि क्षेत्र की संप्रभुता के दावे पर चीन के प्रस्ताव पर एक प्रमुख ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है। इन दावों से ये नाम जो डाले जा रहे हैं अपने लोगों को दिखाना चाहता है, अपनी जनरेशन को पूरी तरह से याद दिलाना चाहता है कि ये क्षेत्र हमारे हैं। चीन के साथ हुए कुछ ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर चीन कहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इसी के आधार पर आक्रामक दावे करना जो है इसकी विदेश नीति का हिस्सा हो गया है। ये कहता है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और हम अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि दुनिया से अपना हिस्सा या फिर कहें कि अपना अधिकार वापस ले सकते हैं। तो इसका ये इनकी जो विदेश नीति है उसका ये हिस्सा है। ताइवान पर दावा इसका एक उदाहरण है। साथ ही चीन की ओर से दक्षिणी चीन सागर में जो 9 डैश लाइन इनके द्वारा बना दी गई है और पूरे के पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना बता दिया जाता है, वो भी इनकी रणनीति का एक हिस्सा है। मैकमोहन लाइन की अगर बात करें तो जो लाइन है हमने मैप के ऊपर वो देख ली है। 1913-14 में चीन भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने तिब्बत और चीन के बीच सीमा तय करने के लिए शिमला में मुलाकात की थी। तब जो है तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं हुआ करता था। शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा के रूप में 550 मील लगभग 890 किलोमीटर की मैकमोहन रेखा खींची थी। यह रेखा भूटान की पूर्वी सीमा से चीन म्यांमार सीमा पर इसुरजी दर्रे तक खींची गई थी। मैकमोहन की जो थोड़ी सी बातें हैं वो आपने देख लिया। विवाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, मैप के माध्यम से हम देख चुके हैं। क्या इससे सच में नाम बदल जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, फिलहाल इसका कुछ नहीं होगा। दरअसल इसके लिए रूल्स और प्रोसेस है पूरी तरह से। अगर किसी देश को किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे UN ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले से जानकारी देनी होती है। इसके बाद UN के जियोग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का दौरा करते हैं। इस दौरान प्रस्तावित नाम की जाँच की जाती है, स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है, तथ्य सही होने पर नाम बदलने को मंजूरी दी जाती है और इसे रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक नैतिक दबाव या फिर कहें कि मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे क्या किया जाना चाहिए, तो भारत को अपनी सीमा के पास चीन में किसी भी नए विकास के लिए पर्याप्त सतर्क रहने की जरूरत है ताकि उसके हितों को कुशलतापूर्वक रक्षा की जा सके। इसके अलावा उसे अपने क्षेत्र में कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी के तहत हम जो हैं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के नाम से एक हाईवे बना रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तिब्बत या कहें चीन की सीमा के साथ जो एरियाज लगते हैं उसके बिल्कुल बॉर्डर पर ये जो हाईवे है बनने वाला है। तो इस प्रकार के काम जो हैं लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, आगे भी किए जाते रहेंगे। चीन का ये पहला प्रयास नहीं है, दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उसके साथ इसके डिस्प्यूट चलते हैं। उम्मीद है साथियों पूरा का पूरा सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।